प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा आज हम कक्षा आठ के विज्ञान का अध्याय जंतुओं में जनन का अध्ययन करेंगे बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आप क्या जानते हैं मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है मानव में श्वसन के लिए कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल होता है मानव में हृदय का क्या कार्य है बच्चों अब हम देखेंगे कि हम आज क्या कुछ सीखेंगे। जनन क्या है जनन की विधियां लैंगिक जनन अलैंगिक जनन प्रजनन क्या होता है माता पिता से संतान का जन्म प्रजनन कहलाता है प्रजनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह जीवों की निरंतर उपस्थिति बनाए रखने को निश्चित करता है प्रजनन जनन की विधियां लैंगिक जनन अलैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या होता है प्रजनन जनन की वह विधि है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है लैंगिक जनन के मुख्य पड़ाव अंडाणु और शुक्राणु का बनना अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन अर्थात अंडा युग्मनज का निर्माण युग्मनज का, में बदलना, परिवर्धन, का विकास मनुष्य में लैंगिक प्रजनन जंतुओं में भी नर और मादा में भिन्न भिन्न जननांग होते हैं जो युग्मक बनाते हैं जो संयोजित होकर युगमनज बनाते हैं यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है इस प्रकार प्रजनन जिसमें नर और मादा युगमकों का संयोज होता है लिंगी प्रजनन कहलाता है आओ अब हम मानव में जनन भागों का पता लगाएं और जनन क्रिया का अध्ययन करें नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृष्ण दो शुक्रवाहिनी और एक शिशन होता है वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं वृषण लाखों ही शुक्राणु पैदा करते हैं शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन प्रत्येक में एक सिर एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है प्रत्येक शुक्राणु में कोशिकाओं की तरह सभी छोटे अंग पाए जाते हैं मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिका और गर्भाशय होता है अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं मादा में प्रत्येक माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का विसर्जन अंडवाहिका में होता है गर्भाशय वह भाग है जहां भ्रूण का विकास होता है शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है निषेचन जनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संयोग है जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होना निषेचन कहलाता है जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निशेचन कहते हैं मनुष्य गाय कुत्ते और मुर्गी आदि अनेक जंतुओं में आंतरिक निशेचन होता है। वह निशेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संयोग मादा शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है मेंढक के अंडे बहुत कोमल होते हैं जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है भ्रूण का परिवर्तन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो भ्रूण में विकसित होना आरंभ हो जाता है युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा जो विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाते हैं इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर सिर आंखें कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है जैसे सांप मुर्गी इत्यादि परंतु आप गाय कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है कायांतरण शिशु से वयस्क नवजात जंतु अथवा अंडे में से निकले जंतु जब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण करो इसी प्रकार मेंढक इस प्रकार के जंतुओं की अन्य उदाहरण है मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण करें तीन स्पष्ट अवस्थाएं अंडा टैडपोल या लार्वा तथा वयस्क टैटपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकते हैं तथा तैर सकते हैं कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैटपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है मनुष्य में कायांतरण नहीं होता मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं अलैंगिक प्रजनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है आओ अब हम अलैंगिक जनन की दो विधियों के बारे में जानें। अलैंगिक जनन में जिस जीव में जीव विभाजित होकर दो संतान कोशिकाएं उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है अमीबा एक कोशिक जीव है जिसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन होने से जनन क्रिया आरंभ होती है इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है डॉली की कहानी, क्लोन। किसी किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया डॉली का जन्म 5 जुलाई उन्नीस को हुआ था यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। दोहराई माता पिता से संतान का जन्म प्रजनन कहलाता है प्रजनन की दो विधियां हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में जंतुओं के लैंगिक जननांग का उपयोग किया जाता है मनुष्य में नर जननांग और मादा जननांग लैंगिक प्रजनन की क्रिया में शामिल होते हैं अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन को निषेचन कहा जाता है निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो निरंतर विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्धन हो जाता है जंतुओं में प्रजनन के दो प्रकार होते हैं बच्चे देने वाला और अंडे देने वाला शारीरिक रचना का रूपांतरित होकर बच्चे से वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव भाग लेता है हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन की उदाहरणें हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है यह मेंढक, मछली स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं मनुष्य गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं मुर्गी मेंढक छिपकली तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है चलो बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी उम्मीद है कि आपको इसके उत्तर आते ही होंगे क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव कौन सा है उत्तर है डॉली नामक भेड़ नर जननांग के भागों के नाम बताओ तो नर जननांग के भागों के नाम इस प्रकार हैं वृषण, शुक्राणु शुक्राणु नलिका तथा शिशन। मेरा अगला प्रश्न मादा जननांग के भागों का नाम बताओ मादा जननांग के भागों के नाम हैं अंडाशय अंडवाहिनी तथा गर्भाशय इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा बच्चों तंदुरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद